सभी को नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। बदलता वक्त और पूर्व की सत्ता शासन, आपने देखा होगा कि लगातार जो है तो चुनाव हर 5 वर्ष में जो है तो एक बार विधानसभा, हर 5 वर्ष में एक बार लोकसभा, और विधानसभा चुनाव जब होता है तो सिर्फ एक स्टेट यानी कि एक राज्य की सत्ता का तय होता है कि कौन आएगा और कौन जाएगा। लोकसभा चुनाव जो कि केंद्र को प्रभावित करता है, तो कहीं ना कहीं पर इस चुनावी दौर में आज ये देखा जाता है कि वास्तविकता जो है तो कहीं ना कहीं पर दीवार के पीछे छिपी हुई होती है, और उस वास्तविकता को शायद आज की जनरेशन ना समझ पाए, क्योंकि आज और कल में यानी कि कहा जाए कि जो भूतकाल गया और जो आज वर्तमान का समय है, उस समय में कितना परिवर्तन आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चर्चा का विषय बना कि जनादेश, जनता क्या चाहती है, क्या चाहती थी, जनता ने क्या किया और किस तरह का परिवर्तन लाया। तो आज हमारे साथ एक वरिष्ठ समाज सेवी अशोक शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में रह भी चुके हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जनादेश का मतलब होता क्या है। शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जनादेश जिसकी लोग आज बातें करते हैं, उस जनादेश का जो आधार है वो है क्या? आपको धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक मेरा सोचना है कि जनादेश तो एक ऐसी बात है कि हम आपको इस बात का अधिकार देते हैं कि आप शासन करो, लेकिन आज अब इसके माने भी अब माने परिवर्तन की ओर जा रहा है। भाई, अभी पिछले चुनाव में कांग्रेस को ही जनाधार मिला था, जनता ने ही उन्हें अधिकार दिया कि आप शासन करो, लेकिन ये जो दूसरे दल के लोग थे, बीजेपी से ही मेरा आशय है कि इन लोगों ने पता नहीं किस किस ढंग से उस सरकार को गिरा दिया, तो इनको अधिकार कहाँ रह गया शासन करने का? जनता ने नहीं दिया था, लेकिन ये शासन तो किए ना भाई। तो अब इसका भी कोई बहुत खास अर्थ नहीं निकल रहा मेरी समझ में कि जनता से वोट मांगी जाए कि माने जनता वोट दे तो आप शासन करो। ये छीना झपटी वाली राजनीति में अभी 2-3 साल से बीजेपी ये सरकार मध्य प्रदेश में है, जबकि इनको जनादेश नहीं मिला था। तो मेरे दृष्टिकोण में कोई बहुत बड़ा मुद्दा अब ये नहीं है कि वोट पड़े कि क्या पड़े। ठीक है, शासन के नियम है, हमारे संवैधानिक अधिकार है, ये सब वोट तो देना ही चाहिए, ये अवश्य है कि बढ़िया किसी योग्य उम्मीदवार को जिताने ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। और उस वक्त की राजनीति में और तब में और आज में वर्तमान की स्थिति में कितना परिवर्तन आया, जितना आप लोगों ने देखा हो? देखिए, पहले की जो राजनीति थी उसमें बड़े गंभीरता से हर बात का विचार किया जाता था, कहाँ क्या आवश्यकता है उस पर ध्यान दिया जाता था। अब जो है, अब जैसे आज महंगाई का मुद्दा देखिए सामने है सबके, है ना। सत्ता पक्ष से कभी नहीं कहा जाता कि माने महंगाई बढ़ गई, कोई हल्ला नहीं कर रहा कहीं, चाहे जितनी भी परिस्थितियां बदल जाएं, कोई नहीं कहने को। और वास्तविकता है कि है तो वास्तव में आवश्यकता, अच्छा इस पर कंट्रोल होना चाहिए, GST है, कहीं कुछ है, तमाम आमदनी के स्रोत शासन के पास रहते हैं, लेकिन वो कहाँ व्यय हो रहा, कैसा हो रहा, इस पर थोड़ा विचार करने की बात तो है। हालांकि हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो बात अपने व्यक्तिगत रूप से समझ में आती है, आदमी वो तो कहता ही है भाई, है ना। तो जैसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मुद्दा कहीं पर शासन को लोग नहीं उठाते हैं कि माने बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा, न कहीं भर्ती की बात आती है, बस वही उलझुल क्या है कि लोगों को बहकावे में रखने की राजनीति आजकल है, मेन मुद्दे की बात कहीं पर नहीं हो रही है। पहले भर्तियां हुआ करती थी, शिक्षकों की भर्ती होती थी, कहीं कुछ, कहीं पटवारी, कहीं फॉरेस्ट में, कहीं कहीं, तो इतनी ज़्यादा बेरोजगारी भी पहले मुझे लगता है कि शायद न रही हो इसके पहले की पीढ़ी के पास, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में तो यही है कि आज यहाँ
युवा ही बेरोजगार घूम रहा है पढ़ा लिखा, कहीं 25 पोस्ट निकलती हैं तो 5,000 6,000 10,000 आवेदन आते हैं। ऐसे ही सब व्यवस्था चल रही है, पता है उन नीतियाँ अच्छी ही बनाता है। अब उनको लागू करने की बात हुई, उनका क्रियान्वयन किस ढंग से हो रहा है ये इस पर भी बहुत कुछ माने आश्रित होती है, बातें आधारित होती हैं। तो देखिए क्या मैं इस बारे में क्या कहूँ, लेकिन आज की स्थिति में लोग परेशान तो ज़्यादा हैं, इसके पहले भी रहे होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा माने कसमकस व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज वर्तमान में ज़रूर देखने में समझ में आ रहा है कि माने लोग काफ़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी जो शिक्षित है। और सबसे बड़ी मार तो आज बेरोजगारी की समझ में आ रही है। विधायक की जो नैतिकता बनती है क्षेत्र के प्रति, वो जिम्मेदारियाँ कैसे इनको एहसास कराया जाए कि इनके कर्तव्य क्या है? अब ये सब बात तो पब्लिक के ऊपर है कि माने पब्लिक उनसे इस माने इस तरह की चर्चा करे, है ना। तो यहाँ भी पब्लिक को भी माने कोई रुझान समझ में नहीं आ रहा फील्ड में कहीं पर कि कोई इस ढंग की चर्चा करे, कि इस ढंग की मांग करे। समस्याएं तो भरपूर हैं, लेकिन कोई मुद्दा लेकर कोई नहीं चल रहा कहीं पर। आज पब्लिक बॉडी से भी कोई ऐसी आवाज़ें ज़्यादा नहीं आ रही हैं कि माने हम असंतुष्ट हैं, लेकिन परेशान तो हैं वो। कुल मिलाकर के मुद्दा विहीन चुनाव कहा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल 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 मुद्दा विहीन चुनाव है। किसी की कोई सोच नहीं है, साम दाम दंड भेद सब लगा के लोग चुनाव जीत लेते हैं। एक लोग अपने अस्तित्व पर चुनाव लड़ते थे कि मैं हूँ, और आज चुनाव लड़े जा रहे हैं तो कोई शिवराज सिंह चौहान जी का मैनिफेस्टो बताता है तो कोई कमलनाथ जी का, लेकिन वास्तविकता में जो है जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं इन्हें अपनी कार्यशैली बताने की आवश्यकता थी, मुझे ऐसा लगता है। अब आज ये बात नहीं रह गई ना, वो आज तो बस वो शिवराज जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहे हैं, यहाँ कमलनाथ जी के नाम पर चुनाव हो रहे हैं, प्रियंका जी के नाम पर चुनाव हो रहा है, यहाँ राहुल जी के नाम पर चुनाव हो रहा है। माने मुख्य मुद्दे पे कहीं पर कोई बात पब्लिक फील्ड में नहीं आती है कि हम ऐसा करेंगे, कि हम ऐसा करेंगे, कि हम ये व्यवस्था देंगे। कोई ये कहने को तैयार आज की डेट में नहीं है कि हम ऐसी व्यवस्था आपको देंगे। अब चुनाव होगा तो कोई ना कोई तो जीतेगा भाई। तरह की जो स्थितियां हैं, क्योंकि वर्तमान में आज जहां पर एक जो परिवर्तन आया, आपने भी देखा होगा कि एक समय होता था उस समय पर जब कोई प्रत्याशी मैदान में आता था तो वो अपनी बातें रखता था कि मैं अगर चुनाव जीतूंगा लड़ूंगा, या लड़ने से पहले या लड़ने के बाद, तो वो अपनी बातों को रखता था जनता के समक्ष, और जनता अपने नेताओं के सामने अपनी बात रखती थी कि हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। लेकिन आज के जैसे कहीं ना कहीं पर शुक्ला जी ने अभी कहा कि ये चुनाव मुद्दा विहीन है, और वास्तविकता यही है कि आज यहाँ पर मुद्दे नहीं हैं। मैनिफेस्टो पर चुनाव तो लड़ा जाता है, लेकिन किनके भरोसे? जो ऊपर बैठे आला हाई कमान है। तो क्या आज ये मान लिया जाए कि जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि चुनाव के रूप में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो प्रत्याशी हैं, मैदान में तो हैं, लेखता जो है तो कुछ और होती है। आज जिस तरह की स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उनमें वाकई में जो है तो कोई भी प्रत्याशी ये नहीं बताना चाहता कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा तो करूंगा क्या। तो लोगों ने आएंगे तो ये करेंगे, शिवराज जी आएंगे तो ये करेंगे। आज योजनाओं का प्रलोभन और योजनाओं के प्रलोभन पर चुनाव, लेकिन आज कहीं ना कहीं पर जो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम कई सारे ऐसे मुद्दे थे, वो आज पीछे जो है तो हट करके रह गए हैं।